सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि छांव मिलते ही कदम रुकने लगते हैं। इच्छाएं, सपने, उम्मीदें और नाखून, इन्हें समय समय पर काटते रहें, अन्यथा ये दुख का कारण बनते हैं। सुबह का नमस्कार सिर्फ लिवाज ही नहीं बल्कि आपके फिक्र का एहसास भी है। रिश्ते जिंदा रहें और यादें भी बनी रहें। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। आज का पंचांग 3 अक्टूबर 2020, दिन शनिवार, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि सुबह 7:28 तक रहेगी। रेवती नामक नक्षत्र सुबह 8:51 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:46 तक रहेगा। आज का बीजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:52 से 12:40 तक रहेगा। आज चंद्रमा मीन राशि पर सुबह 8:51 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। धनुराशि 3 अक्टूबर 2020, दिन शनिवार, अभी आप सामाजिक मूड में हैं और हालिया सफलता का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के कगार पर हैं जो शायद विवाह से जुड़ा हो सकता है। अनुबंध और बिक्री के कार्यों की समीक्षा करें, व्यय कम करें और बुरे दिन के लिए कुछ धन बचाएं। आज आप घर और काम दोनों में तालमेल बनाए रखेंगे, अपने परिवार और चाहने वालों का मनोरंजन करेंगे, उनसे बात करेंगे और उन्हें हंसाएंगे। इन मजेदार क्षणों में अपने कर्तव्यों को भी याद रखें। आप थके हुए और आलसी महसूस कर सकते हैं। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक प्रयास करना नहीं छोड़ देते। कोई पुरातानी जमीन जायदाद संबंधी समस्या चल रही है तो आज उसका हल मिलने की उम्मीद है, इसलिए प्रयासरत रहें। आपकी लगन और हिम्मत कोई अप्रत्याशित लाभ भी देगी। घर में कोई धार्मिक कार्य संपन्न होने संबंधित योजनाएं बनेगी। विदेश से जुड़े काम में रुकावट आ सकती है या काम की गति धीमी होने की वजह से आपकी चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को शिक्षण से जुड़ा निर्णय चिंतित बना सकता है। व्यापारी वर्ग को आर्थिक चिंता सता सकती है। अपनी चिंता तुरंत दूर करने के प्रयास में गलत निर्णय लेकर नई प्रॉब्लम खड़ी हो सकता है, इसलिए जब तक मन स्थिर ना हो तब तक कोई भी निर्णय ना लें। सावधानियां, कभी कभी आप अपने अंदर आत्मबल में कमी महसूस करेंगे क्योंकि कुछ नकारात्मक बातें आपके ऊपर हावी हो जाती है। मन में बेवजह गुस्सा व तनाव रहेगा। युवा वर्ग अपने करियर को लेकर लापरवाही ना बरतें। लव लाइफ की बात करते हैं। अभी आपका लिव इन पार्टनर आप पर खास मेहरबान है और हो सकता है कि जल्द ही आप विवाह के बंधनों में बन जाएं। ऐसे में आपका उसके लिए कुछ खास करना तो बनता है। कानूनी समझौतों के लिए अभी समय उचित नहीं है, बस वक्त है घर और अन्य कामों को पूरा कर कुछ कामुक और आवेशपूर्ण खेल खेलने का। बच्चों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत आज आपके कार्ड्स में है। आप न केवल अपने साथी का मन बहलाते हैं बल्कि अपने भावनाओं को भी सही से व्यक्त करते हैं। अपने प्रेमी के साथ शारीरिक और आध्यात्मिक अंतरंगता का अनुभव करेंगे। करियर की बात करते हैं। सार्वजनिक दुश्मन या राजनीतिक विपक्षी अच्छा आपके लिए समस्या का कारण हो सकती है। नया वातावरण आपको नए मौके उपलब्ध कराएगा, बस उनका सही उपयोग करें। हमेशा की तरह
बेहतरीन योजनाएं बनाएं और सकारात्मक परिणाम पाएं। सेहत की बात करते हैं। आज वो दिन है जब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी सड़क दुर्घटना से बचें। अगर आप कार या मोटरसाइकिल चालक हैं तो बेहद सावधान रहें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को काले कंबल का दान करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।